सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर 3.5%। आप हमें बताएंगे समस्तीपुर से सटे हुए कौन कौन से जिले हैं। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। इनमें ये ऑलरेडी गुजरा, इनमें पुरुष है 5,427,8,157 यानी 52% और महिलाएं हैं 49,82,1,295,47% 49,82,1,295,47% 49,82,1,295,47% कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या 8.60% निवास करती है, तीसरे स्थान पे 8.6। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, जहां जनसंख्या कितनी है 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 6,36,342। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, सबसे ज्यादा गांव है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। तो पूर्वी चंपारण की जनसंख्या देख लीजिए 47,10,46,00,000 और 98,028 और ये है शेखपुरा में 5,27,340। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है ग्रामीण और अधिक पूर्वी चंपारण। बिहार का जनगणत 1106 है। ये बहुराष्ट्रीय जनगणत यानी भारत के जनगणत 382 से 724 अंक अधिक है। 382 है भारत का, याद रखिए। ये देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। कौन? बिहार। इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष स्थान पर है, जबकि कैमूर न्यूनतम स्थान पर है। कैमूर का है 488, जो भी राष्ट्र से ऊपर है। राष्ट्र का है 382, ध्यान रहे भारत का। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर। ये आपको याद रहना चाहिए, आंकड़ों पे ज्यादा जोर मत दीजिए, लेकिन ये याद रहना चाहिए। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। ये राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है, बहुत बेहतरीन है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली। किशनगंज और वैशाली ये याद रहे। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ये राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। लिंगानुपात में बिहार कम है क्या 25। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जो कि 1021 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1,65,67,325। ये राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है। इसमें पुरुष हैं 86,06,253, महिलाएं 79,61,072। तो मेनली आपको ध्यान में रखना है कि SC है 15.9%, 15.9% साक्षरता दर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता 61.80%, पुरुष साक्षरता 71.23, महिला 51.5 है। सर्वाधिक साक्षरता दर है रोहतास का 73.37%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या ये 13,36,000
576, जो कि कुल जनसंख्या का 13% है। इसमें 682,516 पुरुष और 654,057 महिलाएं, 13% है आपको जन एस टी, 15% है एस सी। सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में है और न्यूनतम जनसंख्या शहर शिवहर में है। सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम जनसंख्या वाला शहर, जनसंख्या घनत्व आपको शिवहर में है। जनसंख्या की बात हो रही है, ये आंकड़े यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ है। नेक्स्ट, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म में मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। ये कुल आबादी का 82.69% है। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या इस प्रकार है। उसके बाद ये भी आंकड़े आगे भी है, 82.69%। उसके बाद मुस्लिम है। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में, जो भारत की ही है ऑलरेडी। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60 आबादी निवास करती है, वहीं 2001 की जनगणना से 8.07% निवास करती है। थोड़ा सा फर्क हुआ है, 8.60% हुआ है, जो पहले 8.07% तक बढ़ गया है। बिहार की जीवन प्रत्याशा जो है 68.9 वर्ष औसत आयु है। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शिशु अलग अलग है, शिशु के इसमें है। तो यहाँ बिहार में विविध देखते हैं अभयारण्य या उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में, इसको आप बार बार सुनिए, याद कीजिए। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, मिलाने वाला भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, ये याद रहना जरूरी है। पंत अथवा राजगीर अभयारण्य राजगीर में, वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो गया में है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया, प्रमुख पशु पक्षी विहार देख लें, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा, सरयामन पक्षी विहार बेतिया, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर, उड़वा झील पक्षी विहार साहेबगंज। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसकी वजह से बाढ़ आता है। नागी नकटी पक्षी विहार जमुई, वाल्मीकि पशु विहार पश्चिमी चंपारण, गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार, इसको आप रट जाइए, सुन लीजिए 100 बार। हरियाबारा हिरण पार्क अररिया, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय, प्रमुख झील है उसको देख लें, प्रमुख झील को। अनुपम तिलहार झील ये है कैमूर में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगा बिल झील कटिहार, बारीला झील वैशाली, बारीला झील। लोक निर्मित कौन कौन लोक निर्मित हैं बिहार में, झूमर है, झिझिया है, छक है, जो बीड़ा है, होडलिन है, पौड़िया है। अब मिलाने वाला दे देगा इनमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रहे। लोकनाथ, लोकनाथ को भी आप याद कर लीजिएगा, डोकमच है, रितेशिया है,
जाट जटिन है, कीर्तनिया है, साम चकेवा है, सामा चकेवा। अब इसमें क्या करेगा, कोई और लोकनाट दे देगा, कौन कहेगा कौन बिहार का नहीं है। चित्रकला मधुबनी मंजूसा जदोपिया थांका चित्रकला शैली है। उसके बाद साझी कला है, प्रमुख धर्म। अब यहां पे हम देखते हैं प्रमुख धर्म, हिंदू है 82.69%, मुस्लिम 16.87%, उसके बाद ईसाई है 0.12%, तब सिख है 0.02%, जैन 0.02%, बौद्ध 0.02%, अन्य 0.01%। तो 82-16 ध्यान में रहेगा, 82-16 और 0.12। बिहार अलग राज्य बना, कैसे बना भाई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद यूनुस ने। राजकीय मेगा दिवस 3 दिसंबर। सर्वोच्च शिखर बिहार का कौन है, सोमेश्वर 874 मीटर है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1917। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921। महात्मा गांधी सेतु निर्माण 1982 जो 5.57 किलोमीटर है, 57 यानी 5575 मीटर हो गया और 5.575 किलोमीटर हो। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन है ब्लिसफुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ कब, जुलाई 2002। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2019 में हुई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल उद्यान है, नेशनल पार्क है ये, क्या नाम है, बिहार का एक वाल्मीकि राष्ट्रीय नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रहे। बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर, सबसे ज्यादा पटना में। सबसे अधिक पतझर वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला पश्चिमी चंपारण। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से हुई, सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह सिन्हा, रामनंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापना हुआ। 1913 में पटना में अनुशूलन समिति की स्थापना किसने की, सचिंद्रनाथ सान्याल। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रहे जेपी और फूलन प्रकाश वर्मा ने। पटना के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 9। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय बिहार। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या 7। गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी डैम की लंबाई कितनी है, 411 मीटर। गया जी डैम लंबे रबर डैम है, देश का सबसे लंबा रबर डैम 411 मीटर। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है, बिहार, पहला कर्नाटक। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, पटना। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना, दरभंगा एयरपोर्ट।
भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? बिहार। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर कोच बिहार के रास्ते से गुजरा? एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास। बिहार का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर। वन हेल्थ लैब। लड़कियों और महिलाओं के माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला। सविता महतो बिहार। सविता महतो बिहार की है। पुलिस में महिलाओं की को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट पेप्सी का बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? बरौनी बेगूसराय। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? पटना जंक्शन। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? कुकरी गांव पटना जिला। कुकरी न्यूट्रिशनल गांव है। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? मोतिहारी। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला बिहार। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में। ये भारत का पहला बनेगा साइलो बक्सर और कैमूर। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। देखिए कितनी चीजों में बिहार आगे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना? शकीबुल गनी बिहार। शकीबुल हसन नहीं, शकीबुल गनी बिहार। भारत के किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला टी देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? जमालपुर बिहार। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बताने की जरूरत है? बिहार। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? ब्रह्मपुर बक्सर। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहां लगाया जाएगा? पूर्णिया। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहां खोला गया था? गोपालगंज। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहां खोला गया? हाजीपुर। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहां किया जा रहा है? अररिया। रानी वृक्ष गंज वाटिका इसका नाम है। अब पहला चिड़ियाघर कहां है ये आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत मशहूर है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता। बांका। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया।
बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे मिला? सुपौल नगर परिषद। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? कुठनी प्रखंड मुजफ्फरपुर कुठनी। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी? कोसी मेची लिंक नदी जोड़ो योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? खाद्य प्रसंस्करण की बात करें पटना। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? भागलपुर। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया नगर वन बनाया जा रहा है पहला। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिले में खोला गया? किशनगंज। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने छात्राओं को 33% आरक्षण दिया। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया? बिहार पुलिस। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई डाइवर कौन बनी? अनामिका शर्मा मुकामा की है बिहार। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन बिहार। कृषि हैकोथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। NIT पटना हिंदी में प्रथम बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT पटना में की जाएगी। किस जिले में चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किस जिले में चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोडक्शन किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सेकेंड। ये है किशनगंज। बहुत बेहतरीन सवाल है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किशनगंज की बात हो रही है। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बना? बायोडायवर्सिटी पार्क कुशियार गांव अररिया। बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क डोभी गया। और बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क सुपौल। तो सबसे पहला कुशियार गांव अररिया, दूसरा डोभी गया और तीसरा सुपौल। नेक्स्ट। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली बिहार। बिहार कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा। इनलैंड कंटेनर डिनो
डिपो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? बनकटवा, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया। 18 वर्ष के ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? वो भी बना पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया। पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। बिहार का पहला ईस्ट राइट कैंपस FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? नवादा जेल को। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? पटना। नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक है माँ ब्लड बैंक पटना। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार है कहाँ शुरू किया गया? सुपौल जिले में। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार। बिहार का पहला जू सफारी राजगीर नालंदा कहाँ खोला गया? राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी, दोनों अलग अलग चीज है, राजगीर। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा, जो मिथिला में है। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सुपौल, पहला दरभंगा, दूसरा आपको सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? वानिकी कॉलेज मुंगेर। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर जाइए, लिख जाइए इसको और पॉइंट को रट जाइए, या आप बार बार सुनिए, 10 बार 15 बार सुनते रहिए। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? भागन बिघा नालंदा। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? बेगूसराय। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सिक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? IGIMS पटना। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? केडिया ग्राम जमुई, जैविक कृषि ग्राम है ये, जैविक कृषि ग्राम केडिया ग्राम, ठीक है। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? टेक्सटाइल पार्क चनपटिया, पश्चिमी चंपारण। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला? सहरसा, ई ऑफिस है, ठीक है। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? छपरा, जो 3.5 किलोमीटर का है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक बनेगा। और इसको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सा पूरी कोर्स है, उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, जो 40 वीडियो का है। एक महीने में आपको इस काम को करना है। 10 वीडियो जी के बेसिक कोर्स का है और 30 वीडियो बिहार से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बिहार स्पेशल है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी। इतना अगर आप कर लेते तो आपका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इस बहुत जगह से हमने इसको साइंटिफिक तरीके से तैयार किया। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिले में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? फिश फीड मिल विक्रमगंज रोहताश। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य
समझिए, भारत का पहला राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिहार। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बोध गया। 100 फीट की लंबी है, 130 फीट ऊंची है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी, 251 मीटर ऊंची है, जो बिहार में है। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई? बगहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत, बांका। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे? जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई, ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने थे, रचित राज। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी गया। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? गया। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर। बिहार के किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया? गाय ने, बेगूसराय में। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे माँ अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, कहाँ? IGIMS बिहार में, पटना में। IGIMS पटना में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला? जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? कैमूर। पहला, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। बिहार का पहला रबर थैम कहाँ बन रहा है? रबर डैम। फल्गु नदी गया, फल्गु नदी गया, रबर डैम। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन के लिए, भारत का पहला राज्य की बात हो रही है, बिहार। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, बिहार। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बिहार में, ये भी बिहार में। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला? भारत का पहला, भाई साहब, दरभंगा मिथिला में, बिहार। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? पटना से आनंद विहार टर्मिनल। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? पटना। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? पूर्णिया। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? कन्वर्तल, बेगूसराय। कन्वर्ताल, बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना। बिहार का दूसरा एम्स के निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा। 100% यानी 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड
मीटर लगाने वाला बिहार का पहला परमंडल कौन बना? आशियाना नगर पटना। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और स्पोर्ट्स में, इन सब में 33% आरक्षण दिया गया है बिहार में। भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार 2022-23 के अनुसार कौन है? बिहार है। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत का पहला बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है गर्दनी बाग पटना। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। भारत का पहला है गैंडा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी ईशान किशन बिहार। ईशान, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? मुंगेर। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पत्थरों से ये निर्मित बौद्ध स्तूप वैशाली में, सिर्फ पत्थर। CAS कन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? नालंदा। बहुत बेहतरीन है। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन है? बिहार। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली बिहार, रामायण विश्वविद्यालय। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? पटना, महात्मा गांधी सेतु। भारत का पहला म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दीदारगंज पटना। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नव्या सिंह, जो कटिहार की हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कीट कहां मिला? सबसे बड़ा कीट वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह, मुंगेर के थे, जो मुंगेर से हैं। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बुद्धेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन की घोषणा की गई? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, बाबा बुद्धेश्वर नाथ। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने? सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऋषु राज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया? पटना। बिहार में कहां राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा पटना।
गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार की झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? कृषि विभाग। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED यानी हम्पोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया? गया। तो ये रहा बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर वन अस्पताल कौन बना? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर सदर अस्पताल सबसे नंबर वन पे है। बिहार का 39वां जिला किसे बनाने जाने की तैयारी की जा रही है? बार। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? पटना। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई? भोजपुर। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कटिहार। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? गया। बिहार का पहला मल्टी मॉडल के लॉजिस्टिक पार्क कहां बनेगा? जैतिया गांव पटना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना के स्थान क्या है? 38वां। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकाय में पटना का स्थान क्या रहा? पहला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? मुंगेर। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया? बरौनी। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना, यह भी देखा है, यहां भी हमने मैच देखा था एक श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, इसी टाइप की कंट्री से होती है यहाँ पे मैच। बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत कब से प्रारंभ की गई? 7 जनवरी 2023। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा बन गया कौन? पटना हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा बिहार का पहला हवाई अड्डा बन गया। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? नो बैग डे मतलब बैग लेके नहीं जाना है, प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? मंदिर का पटना। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया। तो पहला कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। भोजपुरी का पहला OTT
ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? OTT ऐप चौपाल से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है? पटना। 25,000 सीट है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा। ये मिथिला में है। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? समस्तीपुर। शिक्षा उड़ान। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे गोपालगंज। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? वो भी पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? फायर ब्रिगेड बीटा पटना। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? PMCH पटना। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? सही उत्तर है मुंगेर। मुंगेरी लाल के सपने तो आप जानते हैं खूब, तो मुंगेर जो है ना प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? पूर्व मध्य रेलवे का बरौनी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? 202 प्रजातियां पक्षी के। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? कछुआ भागलपुर। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार। देशी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगा? पटना। दिस इज पौ पटना में होगा गोवंश विकास संस्थान की स्थापना। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? देखिए पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया अरवल। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? सिमरिया धाम बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? कक्षा 1 से 3 निपुण बिहार योजना। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? नील गाय डुमराव बक्सर। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माओ कैटफिश देखी गई? सौरा नदी पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर भोजपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022।
बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम, बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? हेल्थ डिजिटल योजना 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी एमसीक्यू है उसको कम से कम 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस कर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम। भगवान शिव, सौ से शिव, सौ से सासाराम। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्मित किया गया? ऊंचा शिवलिंग मोतिहारी में, बिस्सी। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, दुर्गावती जलाशय में। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? समाधान यात्रा, ध्यान रहे इसका नाम भी याद रहे, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। और इसको आप उलट के भी पूछ सकते हैं कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से कौन सी यात्रा मुख्यमंत्री ने शुरू की? सही उत्तर है समाधान यात्रा। गंगा जलापूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई? 27 नवंबर 2022। गंगा जलापूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। हर घर गंगा जलापूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? 135 लीटर। बिहार का पहला 4-लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहां किया गया? IGIMS पटना। मुंबई के मैरिन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया? JP गंगा पथ। बहुत चर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बेलवा, याद रहे, बागमती नदी शिवर, बौसे बेलवा, बौसे बागमती। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोध गया। अब राज्य में शिक्षा से संबंधित बातें हैं तो देख लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और जितनी भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, करीब 30 से 35 वीडियो MCQ की है, उसको कम से कम 10 से 15-20 बार प्रैक्टिस कर दे, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 33, केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 1 और कुल विश्वविद्यालय 33। ओपन यूनिवर्सिटी है 1 नालंदा, निजी विश्वविद्यालय 4, महाविद्यालयों की संख्या 879। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या, राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय 17, रिसर्च संस्थान की संख्या 15, पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 54, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 36। राजनीतिक परिचय, विधानमंडल द्विसदनीय है, आपको पता है, नहीं जानते तो जान जाइए, 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, हर जगह नहीं है, कुछ राज्यों में, बड़े राज्यों में होता है। अब थोड़ा कलर चेंज कर लें, चलिए, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन खूब आता है PCS में।
विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, सभा में 243, अपरिषद में 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, प्रशासनिक परिदृश्य। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916। इसी क्रम में आप हमें ये बताएंगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। जिलों की संख्या 38, 38वां जिला है अरवल, सबसे नया जिला है। राज्य में प्रमंडल है 9, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। याद कर लीजिएगा, प्रमंडल जरूर याद कर लीजिएगा, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406, पुलिस स्टेशन 853, पुलिस जिला 43, जिला परिषद 38, महिला थाना 40, महानगरों की संख्या 1 है जो पटना है, नगर निगम 19, देखिए 19 नगर निगम है, नगर परिषद 49, नगर पंचायत 86, शहरों की संख्या 199, गांव की संख्या 3973। अब आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में याद करना थोड़ा स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। और जितनी भी डिस्क्रिप्शन की वीडियो एमसीक्यू के है, उसका एक क्वेश्चन भी आपको छूटना नहीं चाहिए, सब याद होना चाहिए, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर जाइए। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 6,18,630 करोड़। इन सबको इतना रखने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया देख लीजिए। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 50,555 करोड़। निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021 का 5,66,470 करोड़। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 46,292 करोड़। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2.5%, 2.5%। ये सब आंकड़े 2020-21 के हैं। बिहार सरकार की कुल प्राप्ति 1,64,903। बिहार सरकार का कुल व्यय देखिए 1,65,696, मतलब ये है प्राप्ति 1,64,903 और व्यय है 1,65,696। कुल राजस्व प्राप्ति 1,28,168 और कुल पूंजीगत प्राप्ति, दो तरह की प्राप्ति है, 36,735 करोड़। कुल राजस्व व्यय 1,39,493 करोड़, कुल पूंजीगत व्यय 26,203 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8%। प्रति व्यक्ति आय बहुत बेहतरीन है 50,555 रुपया 2020-21 के आंकड़े के अनुसार। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, ये महत्वपूर्ण है, 1,31,000 रुपया है और ऐसे प्रति व्यक्ति आय 50,555 है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर 19,000 रुपया। घरेलू उत्पाद में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक का 19.2%, द्वितीयक का 19.5% और तृतीयक का 61.2%। तो देखिए सबसे ज़्यादा तृतीयक, उसके बाद द्वितीयक, फिर प्राथमिक, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, क्रम से भी पूछ सकता है। तो तृतीयक सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्वितीयक, फिर प्राथमिक। प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 350 यूनिट, कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन, कुल अनाज उत्पादन 17.57 लाख टन, कुल दूध उत्पादन 115.01 लाख टन, चालू चीनी मिलें 10 हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, चालू चीनी मिलों की संख्या है 10। अब थोड़ा चुनाव 2020 में हुआ,
अब जो ये विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, तो 2025 यानी 2026 से पहले 2025 में आंकड़े बदलेंगे, तब तक जितनी भी एग्जाम होंगे 2025 तक, उनसे इस आंकड़ों से क्वेश्चन आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम यह 17वां था। कुल सीटें 243 है, जो पहले भी बताई गई है। अधिसूचना जारी हुई 25 सितंबर 2020। चुनाव के चरण 3 चरणों में चुनाव हुए थे। पहला चरण 16 जिलों का 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर 2022, दूसरा चरण 17 जिलों का 3 नवंबर 2020 और तीसरा चरण 5 जिलों का 7 नवंबर 2020। तो अब ये इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि चुनाव कब प्रारंभ हुआ, पहला चरण कब प्रारंभ हुआ, तो थोड़ा इस तरह से ध्यान में रखिएगा। जब आप बार बार दो चार बार सुन लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। कुल मतदाता 7,29,27,396 और कुल मतदान 4,09,74,708। पुरुष मतदाता 3,79,12,127, महिला मतदाता 3,39,07,979, सर्विस मतदाता 1,07,000, थर्ड जेंडर मतदाता 2,344। मतदान केंद्र है आपको 1,06,526। नोटा वाले जो किसी को नहीं दिया नोटा पे लगाया, 7,06,252। अब ये मतगणना हुआ 10 नवंबर 2020, अक्टूबर में चुनाव हुए थे और नवंबर 10 नवंबर में मतगणना हुआ। सरकार का गठन 15 सदस्य 16 नवंबर 2020, ये याद करिएगा। सरकार का गठन कब हुआ, 16 नवंबर, मतगणना हुई 10 नवंबर, सरकार का गठन 16 नवंबर 2020। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020। महिला विधायकों की संख्या 26, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या आरक्षित सीट कितनी है, पहले ही बताया है 38। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। सर्वाधिक मतों से जीत किसका हुआ, महबूब आलम साहब का। न्यूनतम मतों से जीत किस मुरारी शरण। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार एजाज श्रीवास्तव। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम माछी, 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7,00,000 लगभग। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,557 वोटों से हराया। सीपीआई माले के महबूब आलम बलरामपुर सीट से, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बलरामपुर सीट। आइए, बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर, सबसे छोटा मार्जिन से हिलसा सीट दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण मुरारी शरण ने जदयू के राजद के शक्ति सिंह यादव को हराया हिलसा से, ठीक है। पूर्वदल पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी और बाकी पूर सीट से चुनाव हार गई। पुष्पम प्रिया दो जगह, बिस्फी और बाकीपुर से। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ, 25 सितंबर 2020, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 16 जिले 17, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उसके बाद 3 नवंबर में 17 जिले 94 सीटों के लिए तथा 7 नवंबर 2020 को 5 जिले 78 सीटों के लिए।
तीन चरणों में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित हुआ। इस कुल 7,18,00,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ये लगभग में है 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें। ठीक है, 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने सातवीं बार शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यू से और 7 भाजपा से, 1 एचएम से तथा 1 वीआईपी से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उपमंत्री के रूप में शपथ ली। ये विधायक तारकिशोर प्रसाद 2 उप मुख्यमंत्री थे और रेणु देवी। इस चुनाव में 3,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया। देखिए, उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% 26 सीटें आई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.0% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान 54.68%, 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे 66। इस चुनाव 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। वही भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो ये रहा कुल बिहार से संबंधित पुरस्कार, देख लेते हैं और एक एक करके डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो को आप प्रैक्टिस कर जाइए। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, इसको मिला डॉक्टर विद्या लक्ष्मी, बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार को मिला, वीरता के लिए बेतिया के हैं। और पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए मिला है, छपरा के हैं पल साक्षी। 2021 के लिए ज्योति कुमारी वीरता के लिए, इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। ज्योति कुमारी दरभंगा की है, साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हार्ड, पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी। अब इस तरह की चीज़ें कैसे याद होगी, तो बार बार सुनने से याद होगी, बार लिखने से याद होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ 10-15 बार सुनिए तो आपको याद ही हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणी गंज सुपौल के शिक्षक निशी कुमारी को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, सौरभ सुमन को और निशी कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। कौन कौन? सौरभ सुमन, निशी कुमारी। अटल काव्य रेल सम्मान 2022 हिमकर श्याम सारण के हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद मधुबनी के हैं। पुस्तक का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी, अजीत आजाद मैथिली के। हिंदी भाषा के लिए मिला बद्री नारायण को भोजपुरी में, कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। नॉर्थवेस्ट 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला, मधुबनी के हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार 2022 मैथिली ठाकुर को मिला। यहाँ पे ये हो गया है, मिसप्रिंट है, मैथिली ठाकुर।
2022 का, नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के, मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का ये पुरस्कार संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया गया। उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली सिवान के हैं कविता संग्रह हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा मधुबनी कहानी संग्रह उड़नछू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है नाजिया परवीन को, अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मैथिली भाषा के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए। कथाक्रम सम्मान 2022 इसे मिला है हृषिकेश सुतप को, सिवान के हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा में नव कृष्ण ऐहिक को मिला है व्यंग संग्रह के लिए खुरचन भई कछमच्छी। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उद्धव नाव झा आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब ये इस तरह के सवाल का सवाल ये है कि कैसे याद होगा, तो याद होने का बस एक ही राज है, वो यह है कि आप बार बार सुने, बार बार लिखे। इसलिए मैं बोलता हूँ जितनी भी डिस्क्रिप्शन की वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 से 15 बार सुन जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामचंद्र पूर्वे सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, अभी हाल में तेजस्वी यादव हैं उप मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, ये लेटेस्ट है इसको याद कर लीजिए, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद ठाकुर जो 12वें हैं, विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी या ये टॉपर थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एक सिद्धार्थ, महाधिवक्ता पी के शाही, पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी आरएस भट्टी, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण फूलचंद चौधरी, लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, महालेखाकार राम अवतार शर्मा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभु कुमार सुमन, बिहार विधानसभा के लेख लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद, वर्तमान केंद्रीय मंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री में हैं पशुपति कुमार पारस, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, आर के सिंह विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले खाद्य और पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के बिहार से संबंधित अन्य पुरस्कार। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक तारानंद त्यागी को जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तारानंद वियोगी। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ की तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया, जाहिद अशरफ। हाल ही में गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ द एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया, त्यागराजन को। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार का आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया,
प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार को मिला, जो औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। सुपर चट्टी के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिवदयाल को मिला। बक्सर जिले की मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर लंबे समय तक काज करने और शोध परक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। मुरली मनोहर श्रीवास्तव को एमएसएमई के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के को नेशनल एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित किया। गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य के लिए मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग के मशहूर कलाकार विभा लाल को उनकी कीर्ति कृष्णा लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित NTPC लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया कहलगांव बिजली संयंत्र। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को ये सेन सेवेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। जय सिंह को स्कॉच अवार्ड एवं SKCA ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें यह दोहरा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए दिया गया। जय सिंह को हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुरी जिले के उद्यमी अनीता गुप्ता को भी मिला। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान धान की भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने का अमरेश कुमार तिवारी कैमूर के हैं को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। तो ये था कुल मिलाकर के, और बाकी ये अभ्यास प्रश्न है जो कि जितने भी अभ्यास हैं वो हमने कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से सारे अभ्यास को 30 MCQ में शामिल किया है। उस 30 MCQ को जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में GK बेसिक कोर्स के 10 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं किया तो 10 वीडियो को भी कर लीजिए, और 30 MCQ को कम से कम 10 से 15 बार आप सुन जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हो कि याद ना हो, और बहुत बेहतर होगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लिखिए। कैरियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो कैरियर से संबंधित हम काउंसलिंग भी करते हैं, यहाँ काउंसलिंग के लिए हम वीडियो जारी कर देंगे। जिसको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मेरी बी गजेंद्र सिंह ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसके तहत
बिहार के गया जिले के लाड़ी पंचायत को जल जीवन हरियाली क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। किसको? लाड़ी पंचायत को, गया जिले के। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोही रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कोविड 19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगानो विशाल भंडार पाया है। माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का भंडार पाया गया है। जियोलॉजिकल यहाँ पे भागलपुर के कहलगानो विशाल भंडार कहलगानो। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 595% पुरुष धार्मिक स्वनियोजित हैं। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या 9.3% है, फीसद है, जो राष्ट्रीय औसत 243% से 15.4% कम है। 15.4% कम, 24% से।